उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से घबराए शिंदे गुट, आई सफाई। शिंदे गुट के विधायक बोले, उद्धव साथ आए तो आपत्ति नहीं। शिंदे गुट के विधायकों को लग रहा है डर, बीजेपी साथ न छोड़ दे। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद एमवीओ और एकनाथ शिंदे गुट दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना एकनाथ शिंदे गुट को करना पड़ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो एकनाथ शिंदे गुट मुश्किलों में फंस जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बीजेपी के साथ आने के बाद बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं होगी। सरकार बनाने के लिए बीजेपी आसानी से अपना नंबर जुटा सकती है। वैसे एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस सीएम बन सकते हैं। वैसे बीजेपी की ओर इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि वो शिंदे का साथ नहीं छोड़ेगी। लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव भी शिंदे के साथ ही लड़े जाएंगे और आसानी से दोनों के बीच में सीटों का बंटवारा होगा। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में 18 तो विधानसभा में 95 सीटें एकनाथ शिंदे गुट को दी जा सकती हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद शिंदे कैंप में हलचल मच गई है। इस मुलाकात के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट की ओर से बयान निकलकर सामने आने लगे हैं। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे साथ आ जाते हैं तो उनका स्वागत है। हमारी भी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ आते हैं तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। जहां भी हम थोड़ा कमजोर हैं वहां हम ताकतवर हो जाएंगे। सरसाट ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना अलग अलग नहीं होती तो बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे ले जाने में कामयाब हो चुके होते। उद्धव ठाकरे के एनडीए में आने की संभावनाओं पर सरसाट ने कहा कि विपक्षी दल को यह नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या परेशानी है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उस सुबह शपथ लेने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा। वैसे ही इशारा किसकी ओर था सरसाट ने साफ कर दिया, क्योंकि सुबह देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, उनके साथ एनसीपी के नेता अजीत पवार थे। ये वक्तव्य सरसाट ने बीजेपी के लिए पेश किए या फिर एनसीपी के लिए? सरसाट ने कहा कि हिंदुत्व पार्टी के रूप में बीजेपी शिवसेना के साथ आ सकती है, इसलिए अगर उद्धव ठाकरे हमारे साथ आते हैं तो यह पूरी तरह से खुशी की बात है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री प्रभुराज देसाई ने भी इसे लेकर कहा कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे को एक साथ देखकर अच्छा लगेगा। देवेंद्र फडणवीस ने भले ही उद्धव ठाकरे से कहा कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, चुनाव आयोग ने उन्हें सील कर दिया है, इसलिए ऐसी चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आपको एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वैसे शंभूराज देसाई जो कुछ कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो शायद वही जान सकते हैं, क्योंकि इस समय मुलाकात को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उस तरह का कोई भी बयान निकलकर अभी तक फडणवीस की ओर से सामने नहीं आया। वैसे फडणवीस की ओर से पिछले कुछ दिनों से लगातार उद्धव ठाकरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल पाया है जिससे लगे कि वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। उल्टा वो बीजेपी पर लगातार निशाने साधते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच की दरार 2019 में उस समय पड़ गई थी जब विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने खुलासा कर दिया था कि 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम बनेगा, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने इस बात का दावा किया कि चुनाव देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर लड़ा गया था, उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा गया था, इसलिए पूरे 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस ही सीएम रहेंगे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और अलग हो गए थे। लेकिन 9 महीने पहले ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत हो गई थी, जिसके बाद उनके हाथ से शिवसेना निकल गई और उनके विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ चले गए।